ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। जब हम द्वारका और सोमनाथ की गुजरात यात्रा जाने का विचार बनाते हैं, तब मन में एक दुविधा रहती है कि पहले सोमनाथ जाना चाहिए या फिर द्वारका। यहाँ आपको इस बात की जानकारी मिलेगी कि सोमनाथ और द्वारका की यात्रा के साथ में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन 3 दिन में कैसे किए जा सकते हैं। अगर आप भी इस यात्रा को शुरू करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। अगर आप भी इस यात्रा को करने का विचार बना रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान और सबसे पहले उस बातों को आपको फॉलो करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको ये इस यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। ध्यान देने योग्य जो बातें हैं, चलिए पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। यात्रा आपको कब करनी चाहिए, यानी कि कौन से महीनों में करनी चाहिए, जिससे इस यात्रा में आपको किसी तरह की परेशानियां ना हो। तो यात्रा करने के लिए सितंबर से मार्च के मध्य का जो समय है उसका चुनाव आपको करना चाहिए। यह समय गुजरात भ्रमण के लिए काफ़ी ही ज़्यादा अनुकूल रहता है। आपको अपने शहर से सोमनाथ जाने के लिए और द्वारिका से वापस आने का कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट करवाना चाहिए, जिससे आपको अपनी यात्रा में किसी तरह की आने जाने की परेशानी ना झेलनी पड़े। सोमनाथ से द्वारका जाने के लिए आपको ट्रेन नंबर 19291 सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस प्रतिदिन में कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट करवा लेना, जिससे आपको यहाँ पे सोमनाथ या फिर द्वारका जाने के बाद इन दोनों जगहों पे जाने के लिए किसी तरह की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। सोमनाथ में एक दिन आपको रुकना होगा और द्वारिका में एक दिन रुकना होगा, तो उसके लिए आपको एडवांस में रूम बुक करवा लेना है, जिससे आपको वहाँ जाने के बाद रूम ढूंढने की भी परेशानी ना झेलनी पड़े। यात्रा आपकी 3 दिन की होगी। इसमें आपको अपने शहर से सोमनाथ या फिर द्वारका पहुँचने का जो समय है वो अलग से अपनी यात्रा में जोड़ना होगा। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ सोमनाथ और द्वारका पहुँचने के बाद जो 3 दिन यात्रा के रहेंगे उसी के बारे में सिर्फ बताने वाला हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि जो हमारे मन में विचार रहता है कि हमें अपनी यात्रा की शुरुआत द्वारका से करनी चाहिए या सोमनाथ से। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आप अपनी यात्रा की शुरुआत सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से कर सकते हैं। आपको अपने शहर से सोमनाथ पहुँचना होगा। यदि आपके शहर से सोमनाथ पहुँचने के लिए कोई भी साधन, ट्रेन, बस आदि नहीं है, तो वेरावर राजकोट या अहमदाबाद पहुँच सकते हैं और वहां से सोमनाथ पहुंचा जा सकता है। आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी वेरावल, दूसरी प्राथमिकता रहेगी राजकोट और तीसरी अंत में जो प्राथमिकता है वो अहमदाबाद रहेगा। यहां से आप सोमनाथ के लिए जा सकते हैं बड़े ही आसानी से। आपको यहां पे बसेस, ट्रेन और टैक्सियां मिल जाएगी जो आपको सीधा सोमनाथ पहुँचा देगी। सोमनाथ में आपका एक दिन का ठहरना होगा, यानी कि सोमनाथ में एक दिन आप रुकेंगे। तो सोमनाथ ट्रस्ट में रूम आपको अवेलेबल है, जहाँ पे आप अपना एडवांस रूम बुक कर सकते हैं। सोमनाथ की वेबसाइट है www.somnathorg.com, वहाँ से आप अपना रूम बुक करवा सकते हैं। सोमनाथ ट्रस्ट की ये सारी धर्मशालाएँ रहेगी, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे रूम मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग में आपको परेशानी हो रही है, तो आप वहाँ पे जाके किसी प्राइवेट होटल्स या फिर प्राइवेट धर्मशालाओं में भी रुक सकते हैं। आपको वहाँ पे एसी नॉन एसी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। आपको वहाँ से सोमनाथ मंदिर तक पहुँचने के लिए किसी व्हीकल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैदल से आप मंदिर के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। सोमनाथ में 24 घंटे के लिए रूम बुक करें। यदि अगले दिन 12 बजे चेकआउट करना है तो अगले दिन 12 बजे चेकआउट करें। सामान होटल के लोकस रूम में रख दीजिए और फिर घूमने चले जाइए। आप अपने शहर से शाम तक सोमनाथ पहुंच जाइए, रात में आराम कीजिए, सुबह उठकर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए और आरती में शामिल हो जाइए। सोमनाथ मंदिर के पास से तीर्थ दर्शन बस सुबह 8 बजे और दोपहर को 3 बजे चलती है। बस का टिकट 30 रुपये है। यह बस 3 घंटे में सोमनाथ में मुख्य दर्शनीय स्थलों में घुमाती है। मंदिर के पास ही कई ऑटो वाले मिल जाएंगे, जो आपको 400 रुपये में आसपास के कई मंदिरों का चार्ट दिखाएंगे। आपको उनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि वो वहाँ पे आप लोगों को जो चार्ट दिखाते हैं वो एक ही जगह के होते हैं, लेकिन वहाँ पे अलग अलग उन चार्ट्स को बनाया हुआ होता है। क्योंकि हिरण नदी के किनारे गोलकधाम तीर्थ है, जहाँ पे 8 मंदिर बने हुए हैं, तथा शारदा मठ दर्शनीय स्थल है, वहाँ पे भी 8 मंदिर बने हुए हैं।
लेकिन आपको वहाँ पे अलग अलग वो चार्ट दिखाएंगे, तो आपको काफ़ी सारे मंदिर नज़र आएंगे, तो उनकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। ऑटो वाले से आप नॉर्मली बातचीत करके इन मंदिरों में जा सकते हैं, लेकिन आप उनको बता दीजिएगा कि आपको इन सारी बातों की अच्छे से माहिती है। अब आपको सोमनाथ के अंदर दिन में जो जगहों पे घूमना है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप त्रिवेणी महासंगम जा सकते हैं, उसके बाद गोलकधाम तीर्थ जा सकते हैं जिसको देहोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपको शारदा मठ चले जाना है, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे मंदिरों के दर्शन होंगे। फिर उसके बाद पांच पांडव की गुफा, इंगराज माता की गुफा, सूर्य मंदिर, पालका तीर्थ और बाण गंगा, जो ये सारे मुख्य स्थलों में आते हैं, वहाँ पे आप घूमने जाइएगा। शाम को सोमनाथ बीच पे आप जाके इंजॉय कर सकते हैं। रात में अमिताभ बच्चन की आवाज़ में सोमनाथ मंदिर की लाइटिंग एंड साउंड शो को देख सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे हमारी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा समाप्त होती है। अब यहाँ से हमें जाना है श्री द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए। तो रात को सोमनाथ से एक ट्रेन चलती है, जिस ट्रेन में हमें द्वारका के लिए निकलना है। सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस रोज़ सोमनाथ से रात को 10:30 बजे चलती है और सुबह 7:30 बजे पहुंचाती है। ये ट्रेन का आपने ऑलरेडी पहले से रिजर्वेशन करवा के रखा है, जो मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है। तो आपको इस ट्रेन को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पे 10:30 बजे पहुँच जाना है और फिर वहाँ पे आपको ट्रेन नंबर 19251 में अपनी सीट पे जाके बैठ जाना है। फिर यहाँ से आप सुबह 7:30 बजे श्री द्वारकाधीश के धाम में आपको द्वारका में 2 दिन रुकना है। द्वारका में रुकने के लिए रिलायंस ट्रस्ट की कोकिला धीरथ धाम सबसे उच्च संस्था है। यहाँ पे नॉन एसी रूम 600 रुपये में और एसी रूम 980 रुपये में उपलब्ध है। होटल में 600 रुपये में नॉन एसी और 1000 रुपये में एसी रूम मिलना शुरू हो जाते हैं। धर्मशालाओं में आपको डॉर्मेट्रीज बेड 200 रुपये, रूम्स 400 रुपये और हॉल में 100 रुपये में प्रति व्यक्ति ठहरने के लिए आपको मिल जाते हैं। यहाँ सुबह 9 बजे से 24 घंटे के लिए रूम बुक करें, अगले दिन 10 बजे चेकआउट करें। सामान होटल में लॉकर रूम में रखकर घूमने जाने के लिए तैयार हो जाइए। घूमने की शुरुआत आपको गोमती घाट से करनी है। आपको गोमती घाट में स्नान करने के बाद श्री द्वारिकाधीश के दर्शन करने हैं। इसके बाद आपको गोमती घाट में मंदिरों के दर्शन करते हुए सुदामा सेतु पार करना है और वहां से पंचनंदा तीर्थ और समुद्र नारायण मंदिर के दर्शन करने हैं। वहां से कुछ कदमों की दूरी पर द्वारका बीच है, जहां पे आप शांत और खूबसूरत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। द्वारका के आसपास और भी काफ़ी सारी जगह आई हुई है, जहाँ पे जाए बिना द्वारका की यात्रा अधूरी है। यहाँ पे जाने के लिए आपके पास 2 तरीके रहेंगे, या तो आप प्राइवेट टैक्सी से जा सकते हैं या फिर बस से। तो आपको यहाँ पे जाने के लिए द्वारका के लोकल मार्केट में काफ़ी सारी ट्रैवलिंग एजेंसियाँ मिल जाएगी, जहाँ पे जाके आप अपने प्राइवेट टैक्सी बुक कर सकते हैं और बस का टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी बुक कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको वहाँ पे करीब 600 से 800 रुपये किराया लगेगा और ये जो आपका टैक्सी वाला होगा आपको 6 से 7 घंटे में सारी जगहों पे घुमा के वापस द्वारका छोड़ देगा। अगर आप बस की टिकट बुक करवाते हैं तो बस द्वारका से सुबह 8 बजे और दोपहर को 12 बजे निकलती है। आप सुबह 8 बजे वाली बस को बुक करें, क्योंकि दोपहर 12 बजे वाली बस से आप जाते हैं तो भेंट द्वारका से लौटने में आपको रात हो जाती है, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। बस का किराया करीब 120 रुपये या 150 रुपये रहता है। ये बस आपको रानी रुक्मणी देवी का मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और गोपी तालाब और उसके साथ भेंट द्वारका के दर्शन करवाती है। ये बस आपको शाम को 7 बजे वापिस द्वारका पहुँचा देती है। आप रात को अपने ट्रेन से सीधा अपने सिटी वापिस जा सकते हैं। अगर द्वारका से आपको सीधी ट्रेन अपने सिटी के लिए नहीं मिल रही है, तो आप अहमदाबाद तक की टिकट करवा लीजिए और अहमदाबाद से अपने सिटी वापस लौट सकते हैं। और अगर आप इस यात्रा में किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे कि आप द्वारका से अपनी यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं और सोमनाथ अपनी यात्रा को समाप्त करना चाहते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप द्वारका से सोमनाथ जाना चाहते हैं तो आपको रात में 8:30 बजे ओखा एक्सप्रेस ट्रेन जो जाती है वो मिल जाएगी, जो आपको सोमनाथ सुबह 5:30 बजे पहुंचा देगी।
आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई यात्रा में, किसी नए ट्रैवलिंग वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय।